तो भाई बिजनेस वुमेन को आप देख सकते हो, इनको मैडम जी को आज खाना खाने का भी टाइम नहीं लगा है, सुबह से खाली पेट आ गए थे घर से। तो आती है ये मेरे पीछे आलू के पराठे बना के लेके, वेरी और अब हमारे मैम खा रहे हैं खाना, तो आप देख सकते हो आलू के पराठे दही। और साथ में देख स्वाति, मतलब सीरियसली इतना ध्यान रखती है ना। और ये मैं एक बात और बता देती हूँ, ये आज के बाद शिफ्ट हो रही है स्वाति। हाँ तो शिफ्ट होना जरूरी है दीदी, तो कोई बात नहीं, तो ले लो शिफ्ट, मैं तेरे को बाद में पूछती हूँ। शिफ्ट ये क्यों हो रही है, ये क्या सोचती है, प्राइवेसी होती है ऐसे, ये होता है वो होता है, इसलिए उठ उठा के दिमाग फालतू दिमाग से काम कर रहे। कोई ना, पतली लग रही है, खाना खा लो कोई ना। और शीशे में दिखाई दे रहा खुद को, खुद को मैं तो हुई पतला। छोटे बच्चे, ये किसका छोटा काका है? ये छोटा काका जो मैं तेरे को बता रही थी, इनका नाम था नंदिनी। ओके, और ये परसों भी आए थे और आज दोबारा। इसने मैचिंग मैचिंग किया आपके साथ? और क्या, देखो जो श्रीर, बिल्कुल कॉपी पेस्ट लग रहा है ना। इनकी मम्मा बड़े क्यूट है, वो बैठे हैं पेडिक्योर के बारे में, उस दिन भी आए थे। और ये बच्चे की एक खास बात पता है क्या, ये ना नंदिनी जो है ये हमेशा स्माइल करती है। नंदिनी इसको कुछ चाहिए, वो कार चाहिए, पेन चाहिए, नहीं करनी प्रेस भी करनी। नंदिनी ने हंस के दिखा, अच्छा ओ यार जो श्री बहुत हंसती है नंदिनी। आधा किलो तो चार ही पीस आएंगे, हम खाते हैं उनको। मतलब ढोकला सिर्फ आप लोग ही खा सकते हो? पौना किलो, किलो किलो पौना किलो की बोला आपने, पौना किलो मतलब उन्होंने बोला। और व्रत वाले पकौड़े है, किसी भी चीज की नवरात्रि स्पेशल कुछ बना रखा उन्होंने, पता नहीं मैं पकौड़ा है क्या है, कुछ और ही नाम दे रखा है, पनीर पनूर वाला बोल लिया, स्वाति भी खा ली, बोल लिया नीचे अमनदीप को, बोल दिए ऊपर का भी ला जी, ऊपर का बोल दिए बिल मांग रहे हैं तो मेरी ऊपर का था। इस पे रील भी बनी है ना, किस पे ऊपर वाले का, ऊपर वाले के नाम पे तेरे किराना स्टोर नहीं, ऐसे नहीं वो आता है बोलता, नीचे किराने स्टोर की दुकान होती है, ऊपर वो फिर कोई सामान लेना था, बोला एक किलो चीनी बोला का ऊपर वाले के नाम पे, वैसे भी करता है जो वो महीने के लास्ट में जाकर ऊपर वाले से बिल मांगते, बोला मैं तो कुछ लिए नहीं, बोला आता था बंदा वो कहता ऊपर वाले के नाम पे दे। आप ही बोल रहे हो, क्लाइंट है बार। ये इधर हमारे दीप जी पहुंच चुके हैं, और बीकानेर वाले से तूने क्या मंगवाया था? पकौड़े। आपने ढोकला? और ये लेके आया सवा किलो नहीं पौना किलो, पौना किलो। और लेके क्या है, थाली तेरे लिए व्रत वाली। मैं कह रहा हूँ क्यों गदा चेक, गदा चेक मैम वो कुकीज अलग अलग थे, पौना किलो लावा ना, थाली खा लीजिए, कितना किलो पौना किलो लावा ना, किला थाली खा लीजिए प्लीज, खा लीजिए, उसे कितने रिक्वेस्ट कर रहा है ना दीपक। मैं कह चलो कुकीज ना अलग अलग थे तो मैं थाली ले, थाली में सारा समझ रहा हूँ। नाइस बच्चे नाइस। अब आप खाओ, फ्री है, ये ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा अच्छा। क्या लेके आएगा और साथ में वो, ये इसमें इसकी रोटियां होंगी, तो यहाँ हमारी थाली आ चुकी है जो कि खाएंगे स्वाति जी, और आप भी खाओगे, अकेले नहीं मंगाऊंगी। आप क्या खा रहे हो? खमन। अभी तक तो हमें इसको हम ढोकला ही बोलते हैं जितने भी हैं, और ये जो सर है हमारे ये गुजरात से, बट आप क्या बोलते हैं इसको? उसको खमन बोलते हैं, नायलॉन खमन, नायलॉन खमन, नायलॉन खमन, नायलॉन, हाँ नायलॉन, सूती नहीं है, कपड़ा नहीं है, ढोकला तो पूरा अलग ही आता है, चीज़ अलग। तो हमारे यहाँ पे पंजाब वाली साइड पे इसी को ही ढोकला बोलते हैं। मिठाई है, मिर्ची भी ऐसी होती है आपकी ढोकले के साथ, ये तो अचार वाली मिर्ची रख दी उन्होंने ना, तो मैं पूरे इंडिया में एक ही आती है। नहीं टेस्ट में तो हमारी तो बहुत स्पाइसी होती है वहाँ पे। अच्छा इससे भी स्पाइसी होती है, उसमें भी सूती मिर्ची आप खा लो हमारे सूरत की, भागना पड़ेगा।
मैं भी खा लू उसके बाद। खा लो क्या हम ढोकला खम्मन और इसका नाक मार दिया आपने मेरे को बोले मुंह में डाल के बड़ी मीठी है देखना एक बार उसमें ऐसा है गुजराती ढोकले खा रहे ना तो मिर्ची लग गई गुजराती ढोकला खा लो फटाफट से क्या है नना मीठा खा लो ये खा लो ये मीठा है ये मीठा है मीठा है अरे नहीं यार नना ऐसे बिना बताए कान में से धुआं निकाल दिया मीठा खा लो मीठा नहीं है ये खा लेती हूँ इतने भी नहीं थी लास्ट वाली मेरे को है वो जीभ के ऊपर रख के नहीं आई वेट फॉर योर ब्लॉग्स आप प्लीज ऑर्डर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डालूं बट ऐसा हो जाता है कभी काम में बिजी हो जाओ तो नहीं आई कैन अंडरस्टैंड कि इवन हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कंपनी इज स्पॉन्सरिंग देयर हेयर कट्स हियर तो मैं ये चाहती हूँ आप हमारे यहाँ पे दिवाली का फंक्शन होगा आप एक छोटा सा अपना विजिट कर सकते हो ऊपर भी Yeah, sure, why not? ऐसा कुछ नहीं है हम भी आपकी तरह ही है बट स्टिल ना दे वर लाइक वेरी मच वो एगर टू सी हाउ वी आर लाइक ऑलवेज चीयरफुली तो आप प्लीज एक बार ना आओ जी जरूर आऊंगी आई कम पर्सनली टू इनवाइट यू फोन के पास चल गया अंदर ये बोल रहा है कि मेरे को मैं बाउंसर के साथ मतलब बाउंसर के साथ जाना है इसको बाउंसर भैया इन्होंने हायर कर रखे हैं क्या बात है क्या तो ले दूंगे उसको नेल पेंट के लिए बाय भैया आप कौन से बाउंसर को लेके जा रहे हो तुम किसके साथ जा रहे हो धीरज भैया अरे दीपक को छोड़ गया फिर मुझे लेना जाओ जी ठीक है और एक बात बताऊँ अगर कोई आ गया ना टैटू वाला तो फोन करेंगे तुरंत आ जाना टैटू वाला क्या तो रात के बज चुके हैं 10:30 और हम जा रहे हैं घर बढ़ा दिया हमने सलोन और हम निकल गए हैं घर के लिए बाकी देखते हैं अभी घर जाके क्या कुछ करने खाने का क्या अरेंजमेंट नहीं तो नहीं नहीं बोलो क्या बात कहाँ गई डोले पापा के पीछे उधर डोलू कैसे भाग रहा है डोलू कैसे भाग ओए मेरा बच्चा जी सो ना ओए ले इसको देखो डोलू को अरे किधर गया आपको नहीं बोला इसको देखना डोलू आप ही नहीं ना खुशी में बोलो इसका तो सुसु निकल जा रहा है कई बार खुशी वो पापा ये शांत बच उसको एक बार उठा के हक कर लो वो शांत वो नहीं शांत होता ये छोटू आजा बच्चे हाँ मिलके शांत सो सॉरी ब्रो चलो क्या है लकू ओ भाई साहब क्या बनाया है ये क्या बनाया दीदी इसने आज ये मेरे को इतना दिख रहा है कि एक साइड पे बहुत बनता होता तीखे से बालों वाला आंख मुंह ये कौन है क्या करेक्टर का नाम है इसका एनीमे है कौन है गोकू अच्छा ये वो बोला है बड़ा नाइस है भाई मतलब ये ऐसी चीज है इसको समझने का थोड़ा टाइम लगता है कि इसके अंदर है मस्त है ना मस्त है इसके एग्जीबिशन लगवाएंगे हाँ और फिर उसके हम वो करेंगे सेल करेंगे जो इसकी ये पिक लेने का इच्छुक हो इंस्टाग्राम आज इधर आना खड़े होना ऐसे जैसे दो बच्चे तू भी बीच में आना नकु मैं पहले मां फोटो पे जाते होते ना ओनली फॉर बॉय इसी को ट्रेनिंग तो ले लो एक दो नहीं नहीं ऐसे काम नहीं करने नहीं वो होते थे ना पहले मां बाप फोटो के जाते थे बच्चे ऐसे ऐसे खड़ो नकु बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट बिल्कुल नहीं बिना किसी स्माइल के पहले ऐसे
यार हरकतें, उधर फोटो खींच, उधर देखो तो, उधर देखो फोटो खींच रही, उधर स्माइल कर, नक्कु भी नक्कु नहीं मेरे वही तीनों पोज बना के खड़े और बच हो गए बच्चे बच। चलो थोड़ी देर के लिए करो चेंज तो कर लेंगे अगर कम लोग छोटे डोलू मर गई। अच्छा ठीक है, रुक जा 2 मिनट रुक जा।